रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फिरोज। मैं देती हूँ पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ तंदूरी फिश फ्राई की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि देखने में और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो चले चलते हैं हम अपनी ज़बरदस्त मसाला फिश फ्राई तंदूरी रेसिपी की तरफ। 1 टीस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें जाएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून जो है लाल सूट मिर्च पाउडर हस्बे टेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून रेड कलर, 1/2 टीस्पून जो है चाट मसाला, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस। फिश को जो है मैंने तकरीबन साफ करके जो है 2 टेबल स्पून जो है सिरके में पानी में डिबो करके एक बॉल में पानी लिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला और इसको भिगो करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। इससे ये होता है कि उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये देखें बिल्कुल वाइट और फ्रेश साफ सा हो जाता है। मसाला जो है वह हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम अपने फिश को डालेंगे और डालने के बाद जो है इसको भी बहुत अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। मसाला जो है फिश में लग चुका है। अब ये मेरे पास ये देखिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे भी जो है हम बहुत अच्छे से जो है अपने फिश में मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तमाम मसाले जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं फिश में, आपने अंदर ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख देंगे। फ्राई पैन लिया है मैंने, इसमें इतना तकरीबन 2 कप जो है ऑयल डाला है और उसमें जो है हम अपने फिश को रखते जाएंगे। देखिए फिश हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब इसे हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि जब तक नीचे का लाइट गोल्डन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे टर्न नहीं करेंगे। साइड जो है फिश हमारा गोल्डन हो चुका है, अब इसे हम टर्न ऑफ करेंगे। इसी तरह से हम तमाम फिश को टर्न ऑफ कर लेंगे। ये देखिए फिश जो है हमने इसे टर्न ऑफ कर दिया है, नीचे भी हम गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। एक साइड से फिश हमारी गोल्डन हो गई थी तो मैं इसको जो है और भी आगे पीछे से मैंने इसको प्रेस किया है ताकि ऑल राउंड जो है ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। फिश हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये देखिए आप हर तरफ से जो है ये माशाल्लाह से जो है फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम जो है एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे प्लेट में रखकर। बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी तंदूरी फ़िश फ्राई मसाला तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार इसका जो है ऑल स्पाइसेस है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी मैं आपके साथ और भी शेयर करती रहूं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।